नरेंद्र मोदी के सबसे प्रखर विरोधी थे भाजपा में हरेन पांडे, और 2001 में नवंबर में मुख्यमंत्री बनते हैं और 26 मार्च 2003 को हरेन पांडे की हत्या हो जाती है, और नरेंद्र मोदी पर हरेन पांडे के हत्या का आरोप हरेन पांडे के पिता विठल भाई पांडे ने लगाया है। ये मैंने लगा रहा हूँ। नरेंद्र मोदी अपने सखाओं का और अपने चहेती कंपनियों के हित में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा जिक्र करना चाहता हूँ, आज़ादी के 66 वर्ष बाद कानून बना भूमि अधिग्रहण का, उसकी बहुत अच्छाई थी। 80-85% लोगों की सहमति के बगैर उनकी जमीन नहीं ली जाएगी, 5 साल से ज़्यादा हो तो जमीन वापस कर दी जाएगी। बहु फसली खेती ताकि देश में खाद्य संकट ना पैदा हो। खेती में काम करने वाले मजदूरों को 5 लाख रुपए देने का प्रावधान था, और 5 साल में जमीन अगर उपयोग नहीं की वापस करने का और सारे केंद्रीय कानून को उसमें शामिल करने का। आपको मैं बताना चाहता हूँ, 26 मई 2014 को सरकार बनी मोदी जी की, 28 मई को ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे को पूछा गया क्या करेगी सरकार इस कानून का, उन्होंने कहा तत्काल क्रियान्वयन करेगी, लागू करेगी बोला। 3 जून को गाड़ी तेज चल रही थी, मंत्री गाड़ी में बैठे थे, ड्राइवर ने ब्रेक मारा, मंत्री मर गए। ठीक उसी तरीके से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने YouTube की दुनिया में कदम रख दिया। 27 सितंबर को उन्होंने YouTube चैनल शुरू कर दिया। अब उन्हें अपना विरोध में जैसे राजनीति में हरेन पांडे को निपटाया है, उसी तरीके से YouTube को भी निपटाने का सिलसिला शुरू किया। और इसलिए उन्होंने कहा एक अमेरिकी अखबार है, उस अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट है कि न्यूज क्लिप को चीन का पैसा आया, और न्यूज क्लिप के लिए रिपोर्ट करने वाला अभिसार उर्मिलेश बासा सिंह और इन तमाम पत्रकारों को दिल्ली पुलिस ने उठाया, पेरोल पे काम कर रहे हैं आजकल। तो ये विरोधाभास है, जब न्यूज क्लिप पर पैसा आता है तो उसके लिए काम करने वाले पत्रकारों को भी पुलिस उठा लेती है। लेकिन हमारे देश में इससे पहले हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई फरवरी में, उसमें कहा गया कि चीन का 63 अरब अमेरिकी डॉलर वहां के नागरिक चांग चुंग ली चिंग ने निवेश किया है अडानी की कंपनी में। नरेंद्र मोदी की पुलिस, दिल्ली की पुलिस, दिल्ली की ईडी, सीबीआई, कोई भी अडानी पर जाने जाकर पूछताछ उठाकर लाने की बात छोड़ो, वहां तक जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। और जिस तरीके से न्यूज क्लिक की रिपोर्ट करने के लिए बासा सिंह, अभिसार और उमलेश और पत्रकारों को उठाया गया, उसी तरीके से दिल्ली पुलिस के मुख्य दिल्ली पुलिस आयुक्त से मैं अपील करता हूँ कि नरेंद्र मोदी अडानी को हमारे देश के बंदरगाह, एयरपोर्ट, हवाई जहाज, हथियार बनाने की कंपनी इनके नाम पे लिख रहा है, पेरोल पे काम कर रहा है पैसा ले करके, जो चीन से पैसा लिया अडानी ने उसके लिए मोदी काम कर रहा है, जैसे उर्मिलेश काम कर रहे थे न्यूज क्लिक के लिए, जैसे अभिसार और बासा सिंह काम कर रहे थे। तो जिस तरीके से पुलिस ने इनको उठाया, मैं अपील करता हूँ पुलिस आयुक्त से, उठाओ नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी इस देश में चीन से पैसा लेकर 63 अरब अमेरिकी डॉलर पैसा ले चुका है, उसको देश के बंदरगाह, एयरपोर्ट, हथियार बनाने की कंपनियां बेच रहा है। फिर मैं कहना चाहता हूं, एक और रिपोर्ट आई अभी 31 अगस्त को दुनिया के इज्जतदार पत्रकारों का, OCCRB का मैं बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उनकी रिपोर्ट में आज तक कहीं माफी नहीं मांगी गई। उसमें भी कहा गया कि नरेंद्र मोदी की मिली भगत करके अडानी ने 1 अरब अमेरिकी डॉलर विदेश भेजा, और टैक्स फ्री देशों के माध्यम से नकली फर्जी कंपनियों के माध्यम से शेयर मार्केट बढ़ा करके। तो नरेंद्र मोदी, और जब ये मामला आया तो इस पर भी तमाम जांच एजेंसियां चुप है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि जब विदेशी अखबार छापते हो कि नरेंद्र मोदी के मिली भगत करके विदेश पैसा भेजा अडानी ने 1 अरब अमेरिकी डॉलर, तब पुलिस भी चुप, ईडी भी चुप, सीबीआई भी चुप, इनकम टैक्स भी चुप, देश का मीडिया चुप, और न्यूज क्लिक पे पैसा आया और उर्मिलेश जी ने जो कुछ कहा बंद कमरे में नहीं कहा। एक मिनट सुनो पहले, हमारे देश में 1 अरब अमेरिकी डॉलर गुपचुप तरीके से मोदी ने अडानी के साथ मिलकर विदेश भेजा, लेकिन न्यूज क्लिक के लिए भाषा सिंह ने जो कुछ कहा सबने सुना, और अभिसार ने जो कहा सबने सुना, और मिलेश ने जो कहा सबने सुना। हम ये कहना चाहते हैं जो बात सबको सुनाई गई है, सबको बताई गई है, उसमें तुम आपराधिक मुकदमा दर्ज करोगे, और जो मिली भगत करके चुपके से चांग चुंग चिलिंग से 63 अरब अमेरिकी डॉलर लेकर के देश के बंदरगाह, एयरपोर्ट, हथियार बनाने की कंपनियां बेची गई, तब हम कहते हैं ये विरोधाभास है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से दर्शकों को अपील करता हूँ, आप समझ लीजिएगा, अगर चीन हमारा, अगर नहीं, चीन तो हमारा दुश्मन है,
उसने 15 जून 2020 को हमारे निहत्ते 20 जवानों की हत्या कर दी थी। नरेंद्र मोदी आज तक चीन नहीं बोल पा रहा, बेचारा डर के मारे। मोहन भागवत, अमित शाह एक भी चीन नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि चीन के पेरोल पर पलने वाले लोग हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि चीन के साथ दिखाने के हाथी के दांत और खाने के और हैं। असल मकसद क्या है? जैसे राजनीति में विरोधी हरिहरन पांडे की हत्या कराई गई, जैसे अपने सखा को बचाने के लिए जैसे जुआ की हत्या कराई गई, ठीक उसी तरीके से यूट्यूब में शुरुआत करके नरेंद्र मोदी ने यूट्यूब के पत्रकारों को डराने धमकाने का और अपनी दुकान को चमकाने के लिए उर्मिलेश अभिसार और भाषा सिंह को उठाया। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, पूरी ताकत लगा दे संघ परिवार भाजपा सरकार, इनके बाप की ताकत नहीं है यूट्यूब चैनल को बंद कराने की और यूट्यूब चैनल के पत्रकारों को डराने की। ये अभिसार बासा सिंह और आपने उर्मिलेश जी के बॉडी लैंग्वेज से देख लिया होगा। लेकिन एक बता रहा हूँ, पत्रकारों को इतना बड़ा नुकसान नहीं होना है, नुकसान देश का है। हमारे देश के अंदर एक टेलीविजन है, उसने दिखाया डोकलाम से लेकर गलवान तक कब्जा हुआ, पक्के गांव बसा दे चीन ने, उसका नाम एनडीटीवी है। नरेंद्र मोदी ने दबाव दिया, ईडी उसके मालिक को गिरफ्तार करने लग गई और वह एनडीटीवी अब गोदी मीडिया में तब्दील हो गया है। अब यूट्यूब चैनल सच्चाई दिखा रहा है, नरेंद्र मोदी पत्रकारों को डराने का काम कर रहा है। ये डराने का जो काम कर रहा है ये लंबा नहीं चलने वाला है, ये गारंटी मैं कहता हूँ। पर देशवासियों की जिम्मेदारी बनती है कि वह पत्रकार साथ उठ खड़ा हो और ये सच्चाई को दबाने का षड्यंत्र है उसका पर्दाफाश करें, उम्मीद करता हूँ।